नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आज घोषित किए जा रहे हैं और इन चुनाव रिजल्ट्स के अंदर बीजेपी 4 राज्यों के अंदर अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो पहले हम आपको 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट बताएंगे, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में वीआईपी सीटों का क्या हाल है। रामपुर में आजम खान, स्वार में उनके बेटे, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जो है धामी जी, उसके बाद पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह, सीएम चन्नी, उसके बाद तमाम और जगहों पर अखिलेश यादव की सीट का हाल क्या है, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य उनकी सीट का हाल क्या है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। और अगर आप चैनल पर अभी तक जो है नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बात करेंगे पहले रिजल्ट की। आपको बता दें कि यूपी में अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी यानी 403 सीटों में से बीजेपी 270 सीटें जीत रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 128 सीटें जीतने की सिचुएशन में आ गई है। बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 और अदर के खाते में जो है 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें हैं, बीजेपी 48, कांग्रेस 18, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद पंजाब की बात करें, टोटल 117 विधानसभा की सीटें जिसमें कांग्रेस 18, आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है, 92 सीटें लगभग आम आदमी पार्टी ने जीती हैं और शिरोमणि अकाली दल 4, बीजेपी 2 पर ही सिमट गई है और अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर के अंदर बीएसपी 30, कांग्रेस पार्टी 5 और अदर के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगर गोवा की हम बात करें तो गोवा में बीजेपी 19, कांग्रेस पार्टी 11 और बची हुई सीटें जो है अदर पार्टी के खाते में जा रही हैं 40 टोटल सीटों में से। तो ये है दोस्तों हालात फिलहाल। अब जो है 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाती भी नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद चलिए ये तो हो गया राज्यों के जो है जो रुझान आ रहे हैं उसके आंकड़े। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट आगे पीछे, कौन सा कैंडिडेट हार गया है। सबसे पहले रामपुर की बात करते हैं। रामपुर में आजम खान यानी कि आजम खान और उनके बेटे स्वार से अब्दुल्ला आजम दोनों मैदान में थे और आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला आजम जो बाहर आ गए हैं। आजम खान की जो सीट का हाल है रामपुर का, 35,000 से ज्यादा वोटों से आजम खान ने यह चुनाव जीत लिया है, यह बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बताया जा रहा कि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जो है आजम खान ने लगभग जो है 28,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया है, यह पहला रुझान आया है। उसके बाद स्वार सीट का बात करते हैं। स्वार में अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे चुनाव मैदान में हैं। अगर उनकी बात करें तो अब्दुल्ला आजम यहां पर 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं, यानी कि यहां पर भी बीजेपी चुनाव हार गई है। तो आजम खान और उनके बेटे दोनों की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो गई है, बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई है। उसके बाद बात करते हैं फाजिल नगर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में मंत्री थे पिछली सरकार में और उसके बाद समाजवादी पार्टी में जाकर के शामिल हो गए थे, उनकी अगर सीट का बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य 27,061 वोटों से चुनाव हार गए हैं। दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हारे हैं। यहां पर बीजेपी कैंडिडेट ने 52,430 वोट गेन किए हैं जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को 27,000 ही वोट मिले हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य 25,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं जो है यहां पर केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनकी सीट का जो हाल है वो दोस्तों काफी चौंकाने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे हैं।
अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से 2000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी की नेता पल्लवी जो 74,363 वोटों के साथ सबसे पहले नंबर पर चल रही हैं। चलिए आगे बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज आप सभी जानते होंगे कि पूर्व अधिकारी रह चुके हैं अश्वनी असीम वरुण, उन्होंने चुनाव जीत लिया है दोस्तों, बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे वो उन्होंने चुनाव जीता है। उसके बाद देखिए करहल की बात करते हैं। करहल में जो है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है चुनावी मैदान में थे, तो करहल में 16वें राउंड तक की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, 16वें राउंड तक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव 43,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। उसके बाद पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो सीएम चन्नी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, दोनों की दोनों सीटों पर चुनाव हार गए हैं। दोनों सीटों पर सीएम चन्नी चुनाव हारे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात करें, चलिए पंजाब की और बात कर लेते हैं। पंजाब में सीएम चन्नी के बाद एक्स यानी पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह भी चुनाव हार गए हैं, जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में गए थे। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और उनके एक और नेता मजीठिया, ये दोनों चुनाव हार गए हैं दोस्तों। ये सिचुएशन बनी, आम आदमी पार्टी ने तमाम नेताओं का सुपड़ा साफ कर दिया है। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में मौजूदा सीएम धामी जो है पुष्कर धामी, वो खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं दोस्तों। सोचिए उत्तराखंड में यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की। हरीश रावत आप सभी जानते होंगे कि अच्छे नेता माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनका भी सुपड़ा साफ हो गया है दोस्तों। यहां पर सीधे जो है हम कह सकते हैं कि हरीश रावत फाइनली चुनाव हार गए हैं। तो ये जो है लेखा जोखा अभी तक सामने आ रहा है। वैसे आप सभी जानते होंगे, देखिए यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि रामपुर में सपा सांसद आजम खान को टोटल वोट्स कितने मिले, इसका आंकड़ा सामने आ गया है। आजम खान को टोटल वोट्स 93,000 मिले हैं, 93,000 वोट गेन करके जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को उन्होंने सीधे 60,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। 60,000 से ज्यादा वोटों से आजम खान ने जो है बीजेपी कैंडिडेट को चुनाव हरा दिया है। साथ ही साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 1,22,000 वोट मिले हैं और उन्होंने बताया जा रहा है कि दूसरे कैंडिडेट को लगभग 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया है। तो ये दोस्तों आंकड़े आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और वैसे राज्यों की अगर ओवरऑल चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अपनी जीत का परचम जरूर लहराया है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव हार रहे हैं और हार गए हैं। आपके अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।